ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था हम लोग ने। आई थिंक वी आर डन विद फर्स्ट एक्सरसाइज, राइट? ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग ने फर्स्ट इन इक्वेशन का था ग्रेटर लेस, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है, इन इक्वालिटीज का था, और फिर प्रिंसिपल शेड कर रहे थे, कॉमन रीजन को शेड कर रहे थे, ठीक है। सो अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है सो अवे फ्रॉम ओरिजिन, एंड लेस देन और इक्वल्स टू है सो टूवर्ड्स ओरिजिन, ये मैंने किया था लास्ट लेक्चर। ग्रेटर है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करना है, एंड इफ इट इज लेस देन टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है, ये किया था। सेकेंड एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है। Find the feasible solution of the following inequation. Find the feasible solution. Feasible solution मतलब common region. Find the feasible solution. Feasible solution find out करना मतलब common region find out करना, ठीक है। अभी कितने inequalities है, कितने inequalities दिख रहे हैं तुम लोग को? Correct, ये मैंने बोला है ये last का हम लोग को consider नहीं करना है। ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो कंसिडर नहीं करना है। क्यों कंसिडर नहीं करना है? बिकॉज ये कंडीशन दिया है। हम लोग भी जब भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन लिखना है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो मतलब x इज पॉजिटिव, ठीक है, जीरो से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव रहेगा, एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो सो y इज ऑल्सो पॉजिटिव, मतलब x एंड y क्या रहता है, कोई प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, नंबर ऑफ टेबल्स, चेयर, स्टूडेंट से या तो कुछ इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कुछ तो भी प्रोडक्ट रहेगा। तो x एंड y प्रोडक्ट है तो वो काउंटेबल रहेगा, काउंटेबल रहेगा मतलब वो पॉजिटिव रहेगा। इसके लिए ये कंडीशन सब में लिखना है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स x एंड y कैन नॉट बी पॉजिटिव, इट इज x एंड y cannot be negative, it is positive, ठीक है। तो ये कंडीशन सब में रहेगा, और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग को लिखना भी है ये कंडीशन। तो उसको कुछ कंसिडर नहीं करना है, वो सिर्फ कंडीशन दिया है कि x एंड y पॉजिटिव है। टेबल पहले इन इक्वेशन इक्वेशन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अभी कितने इन इक्वेशन है? फर्स्ट इन इक्वेशन ये है 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल्स टू 18, करेक्ट। सो फर्स्ट 3x प्लस 2y less than or equals to 18, and second in equation 2x plus y is less than or equals to 10. अभी पहले first को convert into equation, so 3x plus 2y is equals to 18, ठीक है। Point is on x axis, so which coordinate is 0? Point x axis पे है तो कौन सा coordinate 0 रहेगा? जय, रुपेंदर, स्नेहल, करेक्ट, नाजरीन, करेक्ट, पूजा, करेक्ट, रोजी, करेक्ट। पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा?
यश करेक्ट, कौस्तुभ जाह्नवी रंजित करेक्ट, आदर्श करेक्ट। पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, सो वाई कोऑर्डिनेट विल बी जीरो, तो ये जीरो, ठीक है। अभी ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 18, मतलब 3x 2 इंटू 0, 0 इज इक्वल्स टू 18, सो 3x इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 18 बाय 3, x इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6, करेक्ट, 6। नाउ बी, पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, सो x कोऑर्डिनेट विल बी 0, करेक्ट। पॉइंट y एक्सिस पर मतलब x कोऑर्डिनेट 0, तो ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, 3 इंटू 0, 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 18, सो 2y इज इक्वल्स टू 18, y इज इक्वल्स टू 9, सो 9, ठीक है। अभी 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 10, पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, सो y कोऑर्डिनेट 0, x क्या रहेगा, रिप्लाई करो, जानवी करेक्ट, रुपिंदर करेक्ट, विशाल, यश, जसप्रीत, रंजित करेक्ट, बंटी, रिया करेक्ट, स्नेहल करेक्ट। इजी है, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, कौस्तुभ जय करेक्ट, पुनीत करेक्ट, नई नाजरीन फरान करेक्ट, नाजरीन एक बार वापस से कर, यश करेक्ट, पूजा करेक्ट, गणेश करेक्ट, कौन सा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 10, सो 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 10, 2x इज इक्वल्स टू 10, सो x इज इक्वल्स टू 10 बाय 2, 5, सो 5 कॉमा 0, अभी डी, पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, सो x कोऑर्डिनेट 0, y क्या रहेगा, करेक्ट, रोजी, यश, रुपेंद्र, गणेश, नेहल, बंटी, नाजरीन, विशाल, चलो डिफरेंट कुछ नेम ही नहीं आ रहे, वही लोग रिप्लाई कर रहे, रिया करेक्ट, पुनीत करेक्ट, 10, ठीक है। फर्स्ट पार्ट टेबल डन, नाउ ग्राफ, ठीक है, ग्राफ नोटबुक में ही करना है, बट प्लीज स्केल पेंसिल यूज करो, मैंने सुबह ऑफलाइन लेक्चर का, प्रीवियस लेक्चर का देखा, वो लोग का सब लोग ने पेन से किया है, थोड़ा नीट रखो, स्केल पेंसिल यूज करो, और स्केल का भी 1-1 सेंटीमीटर, ठीक है, हम लोग नोटबुक में कर रहे हैं, बट 1-1 सेंटीमीटर का प्रॉपर मेजर लेके स्केल पेंसिल से करो, रफली मत करो पेंसिल, स्केल पेंसिल यूज करो इसमें। ए बी सी डी, सबके कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, ऑल कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट ही रहेगा, तो ऐसे नहीं करोगे, अगर प्लेस का प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे नहीं करोगे, और सिर्फ ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का करोगे तो भी करेक्ट है, मतलब ऐसे, ठीक है, तो नंबर्स आ जाएंगे तुम लोग के साथ, प्रॉपर स्केल से 1-1 सेंटीमीटर लेके करो, बोथ ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अभी जितने इनइक्वालिटीज है उतने ग्राफ में लाइंस आएंगे, ठीक है, अभी कितने इनइक्वालिटीज है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, दो इनइक्वालिटीज है तो दो लाइंस आएंगे, एक लाइन ये ए बी से फॉर्म होगा और सेकेंड लाइन ये सी डी से फॉर्म होगा, ठीक है, सो ए बी
ए कोऑर्डिनेट क्या है, 6,0, तो एक्स एक्सिस पे रहेगा 6,0, एंड बी 0,9, तो यहाँ पे रहेगा बी 0,9। ठीक है, लाइन ड्रॉ करो एंड राइट इक्वेशन ऑफ लाइन। थ्री एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल्स टू 18। फिर सेकेंड सी एंड डी, सी इज 5,0, तो ये आएगा 5,0, एंड डी इज 0,10। तुम लोग स्केल पेंसिल से करो, मुझे नहीं पता इंटरसेक्ट होगा नहीं होगा, देख लो स्केल पेंसिल से। ठीक है, प्लॉटिंग हो गया, फर्स्ट पार्ट टेबल, सेकेंड पार्ट प्लॉटिंग, नाउ थर्ड पार्ट फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी फर्स्ट इन इक्वेशन भी लेस देन और इक्वल्स टू है, ये फर्स्ट में भी इनइक्वालिटी क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू है, और सेकेंड में भी लेस देन और इक्वल्स टू है। लेस देन इक्वल्स टू मीन्स टूवर्ड्स ओरिजिन, करेक्ट, मतलब ये रेड लाइन भी टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा। ये रेड लाइन भी टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा और ये ब्लू भी टूवर्ड्स ओरिजिन, बिकॉज वो भी क्या है, लेस देन है। ठीक है, लेस देन है मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा। ठीक है, अभी कॉमन ये प्रेफरेंस के लिए एक एरो करो, ज्यादा नहीं ऐसे एक दो एरो करो, और शेड क्या करना है, फिजिबल रीजन, मतलब दोनों लाइन कौन सा पार्ट कवर कर रहे हैं, ये पार्ट कवर कर रहे। ठीक है, समझा। प्रणव तुझे कुछ डाउट था, तू बोल रहा था अनम्यूट करने के लिए। तो फिर ग्राफ स्केल पेंसिल से करना कंपलसरी। ओके प्रणव, इसमें है कुछ डाउट फर्स्ट टर्म में? इम्पॉर्टेंट फिजिबल है, शेड करना है, एरो सिर्फ एक ही करो, ज्यादा मत करो खुद के रेफरेंस के लिए, नहीं तो फिर ऐसे स्केल से देखने का, टूवर्ड्स ओरिजिन टूवर्ड्स ओरिजिन, जो कॉमन रीजन रहेगा उसको शेड करो। जानवी सी, ठीक है, एक लाइन ऐसे ही रफली बता रही हूँ, एक लाइन कुछ ऐसे है एंड दूसरा सपोज ऐसे है। ठीक है, अभी दोनों का इन इक्वेशन लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब दोनों टू वर्ड्स ओरिजिन आएगा। ठीक है, ये भी टू वर्ड्स ओरिजिन आएगा, ये लाइन भी टू वर्ड्स ओरिजिन, तो कॉमन रीजन कौन सा रहेगा दोनों का, ये पार्ट रहेगा जो दोनों लाइन कवर कर रही है। ठीक है, ये टू वर्ड्स रीजन मतलब ऐसे आएगा, और ये भी टू वर्ड्स मतलब ऐसे आएगा, तो अभी कॉमन पार्ट कौन सा है, ये कॉमन पार्ट है, तो इसको अपने को शेड करना है। समझा जानवी?
जानवी क्लियर। थर्ड, 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12। 4x प्लस 7y इज लेस देन और इक्वल्स टू 28। y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब इसमें कितने इनइक्वालिटीज है, कितने कंसीडर करेंगे? टू 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 भूपेंद्र, टू पुनीत, कितने इनइक्वालिटी से रिप्लाई करो? ओके जानवी, बंटी, ठीक स्वयं, कौस्तुभ, पुनीत, ठीक है, बहुत लोग ने रिप्लाई किया। यश पवार का करेक्ट था, ठीक है, बाकी सबका रॉन्ग है। कितने इनइक्वालिटीज है? थ्री इनइक्वालिटीज है। ध्यान से देखो, ये जो सेकेंड लास्ट इनइक्वालिटी है, दैट इज वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या बोला है कि कंडीशन क्या रहता है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, सिर्फ ये। मतलब इसका है कि एक्स एंड वाई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो सिर्फ ये जो कंडीशन रहेगा उसको इग्नोर करेंगे। बट यहाँ पे तो 1 है, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, तो वो इनइक्वालिटी है। वाई इक्वल्स टू 1 इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो देयर आर थ्री इनइक्वालिटी, ठीक है, सिर्फ इसको इग्नोर करेंगे। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बिकॉज वो कंडीशन दी है, बट वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 कंसिडर करना है। क्लियर? मतलब थ्री इनइक्वालिटीज है। क्लियर? मतलब अपना सेम इनइक्वेशन। इक्वेशन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। फर्स्ट इन इक्वेशन 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12। सेकेंड, 4x प्लस 7y इज लेस देन और इक्वल्स टू 28। एंड थर्ड, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अगर वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहता था तो इग्नोर करते थे, ठीक है, बट 1 है, 0 के अलावा कोई भी नंबर है तो कंसिडर करना है, ठीक है। अभी सेम, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, सो वाई कोऑर्डिनेट 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 इक्वेशन है। y कोऑर्डिनेट 0, सो 4 इंटू 0, 0 इज इक्वल्स टू 12, 3x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 4, सो 4 कॉमा 0। चलो, पॉइंट ऑन y एक्सिस, मतलब x कोऑर्डिनेट 0, 3, ठीक है। नाउ सेकेंड, 4x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 28। चलो अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। नहीं नाजरीन, यश करेक्ट, जय करेक्ट, नाजरीन रॉन्ग है, आदर्श रॉन्ग है, फोर कैसे, प्रणव करेक्ट, आर्यन करेक्ट, विशाल करेक्ट,
करेक्ट, बंटी करेक्ट, कौस्तुभ करेक्ट, पूजा पुनीत करेक्ट, आदर्श करेक्ट, रंजीत करेक्ट, ओके पुनीत, जसप्रीत करेक्ट, गणेश करेक्ट, नहीं यश, यश कामले रॉन्ग है, प्रतीक्षा करेक्ट। नाजरीन कैसे आ रहा है तुझे 6? मुझे बता जरा, पहले भी रॉन्ग सेंड किया था। इक्वेशन क्या है अपना? नाजरीन मुझे सब्स्टिट्यूट करा, अपना इक्वेशन क्या है? 4x + 7y = 28। नाउ सब्स्टिट्यूट, पहले तो बता कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट कौन सा 0 रहेगा? नाजरीन रिप्लाई कर, ओके वाई 0 रहेगा, ठीक है, तो अभी सब्स्टिट्यूट कर। फोर एक्स प्लस 7 × 0, 0 = 28, सो 4x = 28, सो x = क्या आएगा नाजरीन? ओके कुणाल, क्या आएगा आंसर नाजरीन? रोजी करेक्ट, रोजी एक कोऑर्डिनेट रॉन्ग था शायद। डी का कोऑर्डिनेट रोजी रॉन्ग है, पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, सो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रहेगा? डी कोऑर्डिनेट रोजी चेक कर, करेक्ट। तो अभी नाजरीन आंसर क्या आया? अभी 7,0 आया ना? यस रोजी। चल नाजरीन अभी मुझे डी का बता, पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस। नहीं रिया, रॉन्ग है रिया। और 0 कौन सा रहेगा कोऑर्डिनेट नाजरीन? करेक्ट, पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, सो एक्स कोऑर्डिनेट 0, सो 4 × 0 = 0, 7y = 28, 4, ठीक है। अभी नेक्स्ट इज वाई, वन वेरिएबल है, ठीक है, डिफरेंस क्या है? ये दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड इनइक्वालिटी था, उसमें टू वेरिएबल्स थे एक्स एंड वाई। नाउ वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, सो देयर इज ओनली वन वेरिएबल, फर्स्ट कन्वर्ट इन टू इक्वेशन, वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है तो डायरेक्ट वाई इज इक्वल्स टू 1 मीन्स लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट 1, ठीक है, डायरेक्ट बोल दिया है वाई इज इक्वल्स टू 1, मतलब लाइन क्या है वाई एक्सिस को 1 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब एक्स पे इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो एक्स पे आएगा डैश, ठीक है, पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस पे आएगा डैश, और इसमें डायरेक्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट वाई इज इक्वल्स टू 1, सो वाई कोऑर्डिनेट इज 1 और एक्स पे पॉइंट ही नहीं है एक्स एक्सिस पे, तो इट इज 0, ठीक है, वन वेरिएबल का क्लियर हुआ। अगर x इज इक्वल्स टू 1 रहता था तो पॉइंट x एक्सिस पे आता था और y पे डैश आता था। रोजी वन वेरिएबल है, y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, मतलब लाइन क्या कर रहा है y एक्सिस को 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, y एक्सिस को 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब डायरेक्ट बोला x है ही नहीं वेरिएबल, तो x को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो x एक्सिस पे डैश करना है, और y पे क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट इज 1 और x पे नहीं कर रहा है तो 0, समझा रोजी? चलो टेबल हो गया, अभी ग्राफ।
थ्री इनइक्वालिटीज है, सो ग्राफ में लाइंस भी थ्री रहेंगे। नहीं, ये नोटबुक में ही करना है, बट प्रॉपर स्केल से 1-1 सेंटीमीटर लो, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। प्रॉपरली स्केल पेंसिल से करो, नोटबुक में करो बट स्केल पेंसिल पे करो। पुनीत, जरूरत नहीं ना, बिकॉज अपने ए बी सी डी सब सब कोऑर्डिनेट्स देख। पुनीत नहीं, शायद प्रणव ना। हाँ नहीं, पुनीत ठीक है। अपने सब देख, 4,0, 0,3, 7,0, 0,4, 0,1, ऑल कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, तो अपने को नेगेटिव का रिक्वायरमेंट है नहीं, प्लॉटिंग में आएगा ही नहीं, इसके लिए मैंने सिर्फ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया। चलेगा ऐसे ड्रॉ करोगे तो, क्योंकि अभी कभी नंबर्स भी ज्यादा रहते हैं तो सब पॉजिटिव है, तो अपने को जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही ड्रॉ करो। चलो फर्स्ट लाइन ए बी, तो ए 4,0 यहाँ पे आएगा, एंड बी 0,3। इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लो। नेक्स्ट 7,0, एंड डी 0,4। ठीक है, अभी थर्ड इन इक्वेशन के लिए इधर ध्यान दो। y इज इक्वल्स टू 1 था, थर्ड क्या था, y इज इक्वल्स टू 1 मतलब डायरेक्ट है, ये y एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे 1 पे मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ये y इज इक्वल्स टू 1, समझा, y एक्सिस को 1 पे मतलब इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, समझा। अभी फर्स्ट लाइन क्या है, इनइक्वालिटीज देखो। फर्स्ट लाइन का इनइक्वालिटीज ग्रेटर है, फर्स्ट लाइन का ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, सेकंड का लेस देन और इक्वल्स टू है, थर्ड का ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। अभी ध्यान दो शेड। चलो फर्स्ट लाइन कौन सा था, 3x + 4y मतलब ये लाइन, ये लाइन। ठीक है, इसका फर्स्ट लाइन का ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है मतलब अवे, तो ये ऐसे जाएगा अवे, लाइन से ऐसे अवे जाएगा। ठीक है, मैंने एक रेफरेंस के लिए एरो किया है। देन सेकेंड लाइन अपना कौन सा है, 4x + 7 मतलब ये पिंक वाला सेकेंड लाइन है। ठीक है, वो लेस देन है, इनइक्वालिटी में देखो वो लेस देन है, ये इनइक्वालिटी प्रॉपरली समझो, ये ग्रेटर देन रहता है और ये लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन है मतलब टू वर्ड्स ओरिजिन आएगा। ठीक है, एंड नाउ लास्ट y, थर्ड भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, थर्ड कौन सा है, थर्ड ये है येलो थर्ड है। ठीक है, ग्रेटर है, ग्रेटर है मतलब अवे। ठीक है, मतलब ये अवे, लाइन अवे मतलब ऐसे जाएगा।
ठीक है, अभी क्लियर हो रहा है कि कौन सा कॉमन रीजन रहेगा, किसको मिल गया है कॉमन रीजन, शेड कहाँ पे होगा? ओके, रुपेंदर को वाइस ले, तीनों लाइन कौन सा पार्ट कवर कर रहा है? ये रहेगा, इसको ऐसे शेड करना है। समझा, जो मैंने ग्रीन से किया है वो शेड करना है। चलो फोर्थ सम ट्राई करो, कितने इनइक्वालिटीज है? करेक्ट, थ्री। बिकॉज ये एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो कंडीशन है, वो इग्नोर करेंगे। मतलब थ्री इनइक्वालिटीज लो, स्टार्ट करो सम, स्टार्ट करो। विजिबल तक फाइंड आउट करना है, देखो आ रहा है कि नहीं, खुद से फाइंड आउट करने को। फिजिबल पहले फर्स्ट टेबल हो जाएगा तो डन भेजो, तो हम लोग कोऑर्डिनेट चेक कर लेंगे। ठीक है, टेबल हो जाएगा तो डन भेजो, हम लोग कोऑर्डिनेट चेक कर लेंगे, फिर ग्राफ पे जाओ। यश पवार डन, स्नेहल डन, प्रणव डन, ठीक है चेक कर लेते हैं। चेक कर लो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अभी ये 24, 6, 7, 21, 9, 9 है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग 24 तक तो नहीं लिखेंगे, और थ्री के मल्टीपल्स लिखो, थ्री थ्री टू जार सिक्स, थ्री थ्री जार नाइन, ठीक है, थ्री फोर जार ट्वेल्व, वैसे थ्री के मल्टीपल्स लो। और एक सेवन का प्रॉब्लम है, बट वो ठीक है, सिक्स के अप्रोक्स थोड़ा आगे ले लो, अप्रोक्स चलेगा। ठीक है,
सब ठीक है, मल्टीपल्स है, सिर्फ 7 का प्रॉब्लम हो रहा है, तो 6 का थोड़ा आगे अप्रोक्स ले लो, चलेगा, ठीक है मल्टीपल्स है। फिजिबल रीजन क्यों 7/3 नाजरीन, 7/3 कहाँ पे आ रहा है जानवी? क्या फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा है? प्लॉटिंग किया ना, प्लॉट करो, एटलीस्ट टेबल करना है और प्लॉट करो। थ्री के मल्टीपल्स मतलब 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ठीक है, सेम ऑन वाई एक्सिस। ये और जाएगा ना, मुझे थोड़ा प्लेस लगेगा, वेट।
समझा, ऐसे 3 के मल्टीपल्स लेना है, जानवी। ठीक है, अभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था? फर्स्ट लाइन का ए बी 24,00,6। फर्स्ट क्या था? 24,00,6। तो एक्स एक्सिस पे 24 और यहाँ पे 0,6, मतलब ऐसे आएगा। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट लाइन एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, किसका प्लॉटिंग हो गया पहले वो रिप्लाई करो। प्लॉटिंग किसका हो गया? प्रॉपर आया तीनों ड्रॉ करने को। ओके, जानवी डन, गणेश डन, स्नेहल डन, प्रणव डन, पुनीत, रोजी, रुपेंद्र, क्रा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या थे? 7,0 एंड 0,21। सो 7, 6 का थोड़ा आगे ले लो। 7,0 एंड 0,21। एंड 39,0, मतलब यहाँ पे एंड 0,9। अभी तुम लोग स्केल पेंसिल से करोगे तो प्रॉपर रहेगा। मुझे नहीं पता है कि ये ट्राइंगल तुम लोग को आ रहा है कि नहीं। ये जो स्मॉल ट्राइंगल आ रहा है वो तुम लोग को आ रहा है कि नहीं पता नहीं। स्केल पेंसिल से वो प्रॉपर फॉर्म होगा तुम लोग का डायग्राम। चलो आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है। अभी फिजिबल रीजन मिला किसी को? टेबल हो गया, प्लॉटिंग हो गया, फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल रोजीनो पुनित को मिला, जसप्रीत नो, मतलब आ नहीं रहा है कि बाकी है जसप्रीत। ओके पुनीत, नहीं यार, नहीं, कौन सा पार्ट करना है नहीं समझ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिजिबल रीजन ही इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो कर लोगे, टेबल हो जाएगा, प्लॉटिंग हो जाएगा, और ये तो इजी है बिकॉज तीनों में लेस देन और इक्वल्स टू है। तीनों का साइन सेम है, लेस देन और इक्वल्स टू है। जानवी लेस देन है मतलब टू वर्ड्स, ये ध्यान रखो। लेस देन है मतलब टू वर्ड्स करना है, अवे नहीं करना है। थ्री थ्री क्या लिखा है नाजरीन?
चलो तीनों, अभी मैं इसका तुम लोग को देखो, तीनों अवे है। फर्स्ट लाइन ये है अपना, ठीक है। अभी तीनों टू वर्ड्स है, लेस देन है मतलब तीनों टू वर्ड्स है, तो अभी इसका टू वर्ड्स मतलब ऐसे रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन ये है, इसका भी टू वर्ड्स बिकॉज ये भी लेस देन है, तो ये भी टू वर्ड्स, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन भी ये है, तो ये भी टू वर्ड्स, तीनों टू वर्ड्स है। तो अपना ये जो रहेगा ये पार्ट कॉमन रीजन रहेगा, समझा जसप्रीत। वो ट्राइंगल को भी शेड नहीं होना चाहिए उतना भी, अगर तुम लोग ने एक्स्ट्रा शेड किया तो सम रॉन्ग जाएगा। क्लियर है सब लोग को? तीनों टू वर्ड्स आ रहा है, हाँ। पेपर ये तो नोटबुक में ही करेंगे, पेंसिल से शेड करना है, बट डार्क प्रॉपरली दिखना चाहिए कि कौन सा पार्ट किया है। चलो फिफ्थ देखो, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या है, कंफ्यूज होने के लिए वो लोग ने क्या रखा है, ये ऐसे दिया है कि एक्स, वॉइस नहीं आ रहा है शिवम, क्लियर है वॉइस? ठीक है। अब इसमें सिर्फ क्या दिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन में क्या दिया है, ऐसे दिया है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 3। ये पार्ट जो है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, वो जो लास्ट में देते थे कंडीशन, वो सिर्फ इसमें साथ में दिया है, ठीक है। लास्ट में जो सेपरेटली कंडीशन देते थे इसमें साथ में दिया, दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। हम लोग को कंसिडर सिर्फ क्या करना है, ये करना है एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। सेम वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 3 दिया है, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोग का जो लास्ट में देता है वो है, तो हम लोग कंसिडर क्या करेंगे, वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। क्लियर? तो हम लोग का टेबल में
4 रहेंगे। फर्स्ट में सिर्फ यही लेना है, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, वो कंडीशन दी है। सेकेंड में भी वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 लेना है। थर्ड तो प्रॉपर है, एक्स इज एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 5, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। ठीक है, करो स्टार्ट सम। चलो टेबल, पुनीत डन, यश टेबल पार्ट डन, स्टार्ट प्लॉटिंग। पहले रुको एक सेकंड, टेबल चेक कर लेते हैं, सबका होने दो। जानवी डन, रुपेंद्र डन, जय पवार डन, गणेश डन, नेहा कौस्तुभ, जसप्रीत, डन, रिया डन, शीतल डन, नाजरीन डन, परा पंटी। ठीक है, फर्स्ट में x इज इक्वल्स टू 3, किस में डैश आएगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस में या y एक्सिस में? वन वेरिएबल है, x इज इक्वल्स टू 3 वन वेरिएबल है। बंटी, रिया, रुपेंद्र, नाजरीन, करेक्ट। x इक्वल्स टू 3 तो डैश कहाँ पे आएगा? करेक्ट, शीतल, परा, यश, करेक्ट। x इक्वल्स टू 3 मतलब x पे है, तो y पे डैश आएगा, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स थ्री कॉमा 0, बिकॉज पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, सो एक्स कोऑर्डिनेट 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाई इज इक्वल्स टू 3, डैश कहाँ पे आएगा? करेक्ट, जानवी, स्नेहल, यश, बंटी, रोजी, करेक्ट, कौस्तुभ, आर्यन, पुनीत, जेड कहाँ पे है? हाँ, एक्स एक्स, आदर्श, करेक्ट। वाई इक्वल्स टू 3, सो एक्स पे डैश एंड 0,3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, सो वाई कोऑर्डिनेट 0,5, 5, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स चेक कर लो। अभी प्लॉटिंग स्टार्ट कर दो।
पेंसिल यूज करो, बिकॉज जितना फ्री एंड से करोगे उतना तुम लोग को फिजिबल रीजन के लिए प्रॉब्लम होगा। स्केल पेंसिल से एटलीस्ट थोड़ा प्रॉपर दिखेगा, 1-1 सेंटीमीटर का प्रॉपर स्केल पेंसिल यूज करो। चलो फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल्स टू थ्री मतलब लाइन x एक्सिस को 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल्स टू थ्री मतलब लाइन x एक्सिस को 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, y इक्वल्स टू थ्री मतलब y एक्सिस को 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ओके जानवी, y इज इक्वल्स टू थ्री। नाउ नेक्स्ट सी, 5,0 डी 0,5। सी 5,0 डी 0,5। अब ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो पता नहीं है, बिकॉज तुम लोग का प्रॉपर स्केल से रहेगा और मेरा ऐसे फ्री हैंड से। 2,0, 0,4 2,0, 0,4 हो रहा है तो ठीक है। ठीक है, हो गया प्लॉटिंग, विजिबल मिला किसी को? चलो चेक करो विजिबल जिसका हो गया। जसप्रीत अभी आ रहा है विजिबल? लास्ट टर्म किसको, जानवी को तो आ गया अब इसका शायद। जसप्रीत हो गया फिजिबल रीजन? चलो अभी फर्स्ट लाइन था x इज इक्वल्स टू थ्री बट इनइक्वालिटी लेस देन है। x इज इक्वल्स टू थ्री मतलब ये लाइन, ठीक है, x लेस देन है, x लेस देन मतलब ये ऐसे टू वर्ड्स ओरिजिन आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट y इज लेस देन और इक्वल्स टू थ्री, ये भी लेस देन है मतलब टू वर्ड्स ओरिजिन आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट x प्लस y लेस देन, ये x प्लस y मतलब ये लाइन x प्लस y, ये भी लेस देन है तो ये भी टू वर्ड्स आएगा, ठीक है। और फिर 2x प्लस y मतलब ये लाइन ग्रेटर है, ग्रेटर है मतलब 2x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 मतलब ये अवे जाएगा, ठीक है। मतलब अपना फाइनल क्या रहेगा, ये कॉमन रीजन है
या गलती से भी थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट शेड हो गया या कम पार्ट शेड हो गया, पूरा सम रॉन्ग। गलती से वो तुम लोग का छोटा ट्राइंगल में शेड हो गया तो भी वो रॉन्ग है। क्लियर? इसके बाद का जो आएगा ना रुपेंद्र, वो ऐसे ही सिर्फ इसके आगे कंटिन्यू करना है, वो 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी आता है। चलो डन। चलो अभी वर्ड प्रॉब्लम है, 7 सम वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले वर्ड प्रॉब्लम रीड कर रही हूँ। अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल ए एंड बी विच रिक्वायर सिल्वर एंड गोल्ड। ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 3 ग्राम्स ऑफ सिल्वर एंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, वेल ईच यूनिट ऑफ बी रिक्वायर्स 2 ग्राम्स ऑफ सिल्वर एंड 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। द कंपनी हैज 6 ग्राम ऑफ सिल्वर and 4 grams of gold, construct the inequation and find the feasible solution graphically. ठीक है, अभी अभी स्क्रीन पे जा दो, मैं जैसे फिल कर रही हूँ और जो रीड कर रही हूँ उस पर भी जा दो। A company produces 2 types of article A and article B which requires silver and gold. मतलब ये सिल्वर ये गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड में से आर्टिकल ए आर्टिकल बी प्रोड्यूस किया है। ठीक है, अभी मैं इसमें फिल कर रही हूँ, वो देखो सिल्वर और गोल्ड में से आर्टिकल ए और आर्टिकल बी प्रोड्यूस किया है। A company produces 2 types of article A and B which require silver and gold. Each unit of A required 3 grams of silver. So article A में ये arrow, article A में 3 grams of silver है, तो यहाँ पे 3 and 1 gram of gold, तो यहाँ पे 1. ठीक है, article A को 3 grams of silver का require, each unit of article है. ठीक है, A की unit को 3 gram का silver का रिक्वायर है एंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड रिक्वायर है, एंड ईच यूनिट ऑफ बी रिक्वायर्स 2 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। इतना समझा टेबल में? ठीक है, नेक्स्ट। द कंपनी है 6 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। मतलब कंपनी के पास अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी कितना है? सिल्वर उसके पास है 6 ग्राम, तो यहाँ पे 6 आएगा, एंड 4 ग्राम ऑफ गोल्ड का उसके पास अवेलेबिलिटी है। ठीक है, कुछ कंपनी के पास भी कुछ मटेरियल का अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेस का अवेलेबिलिटी रहता है, उसमें से ही प्रोड्यूस करने रहता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो वैसे उसका अवेलेबिलिटी बोला है, कंपनी है 6 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 4 ग्राम ऑफ गोल्ड, ये ही अवेलेबिलिटी में से उसको आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी प्रोड्यूस करना है। करेक्ट? हाँ, वो स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, अभी शायद विजिबल है। ठीक है,
इतना हो गया। अभी हम लोग को इनइक्वालिटीज फ्रेम करना है, ठीक है, जो अभी तक इनइक्वालिटीज दिया था अभी हम लोग को फ्रेम करना है। अभी पहले आर्टिकल ये ईच यूनिट का दिया है, आर्टिकल है ईच यूनिट, वैसे हम लोग एक्स आर्टिकल एंड वाई आर्टिकल अज्यूम कर देते हैं, ठीक है। लेट अ कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल ए एंड वाई नंबर ऑफ आर्टिकल बी, ठीक है। ईच यूनिट ऑफ दिया है, ईच यूनिट ऑफ आर्टिकल रिक्वायर्स 3 ग्राम ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, तो हम लोग ने क्या अज्यूम किया, लेट अ कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल ए एंड वाई नंबर ऑफ आर्टिकल बी, ठीक है। अभी इनइक्वालिटी फ्रेम करना है। अभी ये पहले सिल्वर का देखते हैं, रो देखो सिल्वर का, एरो में बता रही हूँ पहले, या तो ये देख मार्क कर देती हूँ, पहले सिल्वर का देखते हैं ये, ठीक है। थ्री, ये थ्री एक्स प्लस टू वाई हो जाएगा, सिल्वर में से क्या हो रहा है, सिल्वर में से ईच यूनिट ऑफ आर्टिकल है 3 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, वैसे कितने आर्टिकल ए है, एक्स आर्टिकल है, ईच आर्टिकल बी जो वो प्रोड्यूस कर रहा है ईच यूनिट के लिए 2 है, वैसे नंबर ऑफ आर्टिकल वाई है, तो प्लस अभी यहाँ पे 6, बट गलती से भी इज इक्वल्स टू नहीं लिखना है, इज इक्वल्स टू नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज अवेलेबिलिटी बोला है, ठीक है। तो ये जो भी अवेलेबिलिटी है, ये जो भी वो सिल्वर आर्टिकल ए आर्टिकल बी प्रोड्यूस कर रहा है सिल्वर में से, वो 6 ग्राम से कम या तो 6 ग्राम ही यूज करता है, बिकॉज कंपनी के पास सिल्वर का अवेलेबिलिटी कितना है, 6 ग्राम है, तो ये वो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है ये, ठीक है, वो लेस देन और इक्वल्स टू 6 होना चाहिए, समझा। वो जो भी ये सिल्वर आर्टिकल ए प्रोड्यूस कर रहा है आर्टिकल बी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, बट ये जो भी आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है वो 6 से लेस होना चाहिए, और या तो फिर पूरा 6 ग्राम यूज कर देंगे तो चलेगा, बट इट कैन नॉट बी मोर देन 6, बिकॉज कंपनी के पास अवेलेबिलिटी कितना है, 6 ग्राम का अवेलेबिलिटी है, समझा। मतलब 6 पे माउथ ओपन होगा कि 6 ज्यादा है, मैक्सिमम 6 होना चाहिए, समझा कि नहीं समझा। ठीक है, अभी वैसे ही गोल्ड के लिए, ठीक है, गोल्ड का क्या आएगा इन इक्वेशन, पहले गोल्ड का 1x, फिर गोल्ड में से आर्टिकल बी ईच यूनिट को 2, वैसे y नंबर ऑफ आर्टिकल, प्लस गोल्ड का अवेलेबिलिटी कितना है, 4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड अवेलेबल है, तो वो ये जो भी आर्टिकल है आर्टिकल भी प्रोड्यूस कर रहा है वो 4 से लेस होना चाहिए, या तो फुल 4 ग्राम यूज कर देगा तो चलेगा, ठीक है। मतलब दोनों में लेस देन और इक्वल्स टू इन इक्वेशन आएगा, बिकॉज मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ सिल्वर इज 6, तो 6 पे माउथ ओपन होगा, एंड मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड इज 4 ग्राम, तो 4 पे माउथ ओपन होगा, क्लियर। और लास्ट में हम लोग को कंडीशन क्या लिखना है, नाउ एक्स एंड वाई आर नंबर ऑफ आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी, ठीक है, एक्स इज नंबर ऑफ आर्टिकल ए एंड वाई इज नंबर ऑफ आर्टिकल बी, सो आर्टिकल है सो इट इज काउंटेबल, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो लास्ट में लिखना है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है, जैसे वो लोग देते थे वैसे अभी हम लोग को भी लिखना है, बिकॉज एक्स क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल, वाई भी क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल बी, तो वो पॉजिटिव भी रहेगा, ठीक है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये कंडीशन लिखना है हम लोग, फिर अपना सेम आएगा टेबल, इन इक्वेशन इक्वेशन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो कितने इन इक्वेशन 2, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 6, एक्स प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 4, फिर ग्राफ में प्लॉटिंग करना है, दोनों लेस देन है तो 2 वर्ड्स, फिर विजिबल फाइंड आउट करना है, ठीक है, समझा। बट इसमें पहले ये टेबल ड्रॉ करो, सिल्वर गोल्ड आर्टिकल ए आर्टिकल बी,
पूजा वो हम लोग सब सम्स में लिखेंगे, क्योंकि एक्स और वाई क्या है, प्रोडक्ट्स है, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी है, तो हम लोग वो कंडीशन लिखेंगे कि ये एक्स एंड वाई पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। वो जैसे हम लोग को सब इन इक्वेशन में हम लोग जिसको इग्नोर कर रहे थे वो यही रीजन कि वो सिर्फ कंडीशन है, तो वही सेम कंडीशन हम लोग ने भी लिखा है, ठीक है पूजा। आगे का इनइक्वालिटी ग्राफ होमवर्क में कंप्लीट करो, इजी है, दो ही लाइंस है। ये हम लोग ने आदर्श कंडीशन लिखा है लास्ट में, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि x क्या है आर्टिकल a है और y क्या है आर्टिकल b है, तो वो क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो वो ही कंडीशन हम लोग ने लिखा है कि x ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स पॉजिटिव है और वाई पॉजिटिव है। थर्ड सम का ग्राफ तो पूजा वो मैं रफ कर देती हूँ ना तभी। सेव नहीं किया है। अब सुबह का ये रहेगा पीडीएफ रहेगा, तो प्रतिभा मैम को बोल सेंड कर देंगे तुझे। या तो कोई तेरे फ्रेंड से ले लेना। वो कंडीशन हम लोग को सब में लिखना है आदर्श, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, सब में मतलब जब भी हम लोग इन इक्वेशन फ्रेम करते हैं तभी वो लिखना है। और अगर दिया रहेगा तो वो लोग तो देते ही है ये कंडीशन, तुझे याद रहेगा तो हम लोग सब में इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर ग्राफ बुक रखना, स्केल पेंसिल ग्राफ बुक।